जय मां मोक्षदा, जय चित्रकूट धाम। मित्रों, मैं आपके सामने एक बार पुनः प्रस्तुत हूँ चित्रकूट की महिमा का गुणगान करने के लिए। मित्रों, कल हमने माँ मंदाकिनी जी के बारे में चर्चा करी, आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए आपको चित्रकूट में राघव प्रयाग की महिमा का गुणगान करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि तीर्थों में प्रयाग का महत्व सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि वह तीर्थराज है। प्रयाग में गंगा यमुना सरस्वती नदियों का संगम है, वह देवताओं का प्रयाग है, किंतु स्वयं प्रभु श्री राम का ही प्रयाग चित्रकूट में भी विराजमान है। यहाँ स्वर्ण गंगा मंदाकिनी, माँ पयस्विनी और सर्व सावित्री, जिन्हें यहाँ सरयू के नाम से जाना जाता है, उनका पवित्र संगम है। वृद्ध परंपरा के अनुसार यहाँ तो माघ मास में शुक्ल पक्षीय सप्तमी को स्वयं तीर्थराज पधारते हैं, दर्शन स्नान करके वर्ष वर्ष के पापों को धोकर अपने बोझ को हल्का करते हैं। एक और जहाँ अनसुईया जी द्वारा प्रादुर्भूत स्वर्ण गंगा मंदाकिनी जी प्रभावित हैं, जिनकी महिमा मानसकार कुछ इस प्रकार गाते हैं। सर सही सुर सही दिन कर कन्या, में कल सुता गोदावरी धन्या, सब सर सिंधु नदी नदनाना, मंदाकिनी कर कर ही बखाना। वहीं दूसरी ओर गोस्वामी जी कवितावली में कहते हैं, दूत कहे यम के नरसों, नर देह धरी न करे सतसंगा, नहीं हरि नाम लियो मुख सो नहीं, तुलसी माल धरी उर अंगा, नहीं दान किए कबहू सो कहें, नहीं तीरथ पाँव धरे मति भंगा, फिर देह धरे को कहाँ फल है, जो अन्हाई नहीं मंदाकिनी गंगा। अब दूसरी ओर हम लोग ब्रह्मकुंड से प्रवाहमान पावन पयस्विनी जी, जिनकी प्रशंसा स्वयं श्री हरि विष्णु के स्वरूप को बताती हुई कहती है, मम रूपा महाभागा परम निर्वाण दायिनी। दूसरी ओर बेहतर रामायण कहते हैं, अयो भूता नदी यत्र राम रूपा न संशया। वेद रामायण में महर्ष अगस्त ब्रह्मकुंड से निकली हुई पयस्विनी जी की कथा सुनाते हुए कहते हैं, अगस्त उवाच, सुनपुत्र काममेदाम सर्व पाप हराम पराम, पुराकृत युगे देवो देवे ब्रह्मर्षि भी सह, चकारान यज्ञान विधित कुंडिन गृत्वा प्रसन्नम धी, महत्समाजो यत भवत देवानाम तत्र पुत्रक, तस्मिन् देव समाधे च ब्रह्मलोके पितामह चकार पूजाम विधि विष्णो रतुल तेज, कमंडलू चरई चैव प्रक्षालयाधि धृ मुदारधि, पूजनम कृतवान सम्यकम सर्वलोकहिताय च, नारायणस्य चरणात् पयो रूपा पयस्विनी देवनामं पश्यतं तत्र समुद्भूतः च पुण्यदा, तदा जयति विभूर्धेश निरुच्चारिता शुभा, पयस्विनी नाम गंगा ब्रह्मकुंडे समागता। अगस्त जी ने महर्षि सुधीक्षण से कहा, हे पुत्र, उस कथा को मैं तुमसे कहता हूँ जो संपूर्ण पापों को नाश करने वाली है, सावधान होकर सुनो। सतयुग में ब्रह्मा जी समस्त देवता और ब्रह्मर्षियों से युक्त होकर कुंड बनाकर नाना प्रकार के यज्ञ करते हैं। यहाँ पर देवताओं का महान समूह एकत्रित हुआ और समाज में विराजमान भगवान विष्णु का कमंडल जल से चरण पर छनन कर विधिवत पूजन किया। उसी समय श्री दुग्ध रूपमयी पयस्विनी अकस्मात प्रकट हो गई। सभी देवगण जयकार कर उठे और उस कुंड का नाम ब्रह्मकुंड हो गया। यह है प्रभुपाद प्रथम प्रसूता पावन पयस्विनी जी की कथा। तो तीसरी ओर सावित्री माँ सरयू नदी का प्रादुर्भाव भगवती श्री सीता के अंश से होता है। वर्णन में आता है, पुरी मध्य समुत्पन्न गायत्री नाम ससरित सीता सीता
शाम तो समुत्पन्ना भविष्यति न संशय भय सुनी देव गंगा गायत्री तीर्थ सहित्रयम तासाम सुसंगम पुण्यम तीर्थ वृंदम सुसेवितम प्रयागम राघवम नाम भविष्यति न संशय। अर्थात पूरी मध्य से गायत्री नाम की नदी प्रभावित होगी, वह सीता के अंश से उत्पन्न होगी। इस प्रकार देवगंगा मंदाकिनी पयस्विनी और गायत्री इन तीनों नदियों का संगम क्षेत्र पूर्ण देने वाला समूह पूर्ण तीर्थों से युक्त राघवप्रयाग के नाम से विख्यात होगा। इतना ही नहीं, चारों वेद जल का रूप लेकर यहाँ मिलेंगे। घृतकुल्या दधिकुल्या मधुकुल्या तथैव च कुल्या शर्करायाश्च भविष्यति चतुर्विद्या चत्वारस्तु तत्र वेदा भविष्यति तदा नद्या ऋषियोग्य समार्थाख्या भविष्यति प्रतिष्ठिता नदी भूता पुण्यात्मा मंदाकिन्यां च संगमः। अर्थात चारों वेद घृतकुल्या दधिकुल्या और शर्करकुल्या नाम लेकर नदी रूप में मंदाकिनी में मिलेंगे। इस तरह चित्रकूट धाम दधि मधु शर्करा एवं पयस्विनी दुग्ध पांचों मिश्रित कर दिव्यादि दिव्य पंचामृत से अपने परमाद आराध्य श्री सीताराम जी का नित्याभिषेक करेंगे। जहाँ साक्षात सावित्री रूप से भगवती सीता और पयस्विनी रूप से स्वयं प्रभु द्रवीभूत होकर जल के रूप में प्रभावित हो रहे हैं, या मानव पयस्विनी में प्रभु की करुणा और सावित्री में सीता का वात्सल्य प्रवाहमान है। अपने भक्तजनों पर जब भी माँ का वात्सल्य उमड़ता है, कृपा बरसती है, करुणाई हो करुणा उड़ेलती है, तब आज भी मंदाकिनी की धारा में दूध की धाराएं कई बार प्रभावित हुई देखी जाती हैं। इसके पृथक दृष्टि मैं स्वयं हूँ और मेरे साथ में चित्रकूट के बहुत सारे वासी हैं। धन्य हो तुम्हारा माँ, धन्य हो तुम माँ, धन्य हो माँ मंदाकिनी, तुम्हारे इन चरणों में संदीप का बारंबार प्रणाम।